भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में एक महिला की भगदड़ में जान चली गई। इस मामले को लेकर कार्यक्रम आयोजकों पर कार्रवाई की जाए, इस मांग को लेकर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे ने नागपुर पुलिस आयुक्त को निवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी के आयोजित कार्यक्रम में वृद्ध महिला की भगदड़ में मौत हो गई। इस घटना के बाद वृद्ध महिला के घर कोई नेता या प्रशासन का कोई अधिकारी मिलने नहीं गया, जिस वजह से आयोजकों पर कार्रवाई की जाने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी ने आज पुलिस आयुक्त को निवेदन दिया है। परसों के दिन जो सुरेश भट्ट में जो चंगरा चंगरी हुई, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई और बहुत सारी महिलाएं जख्मी हो गई, उस विषय में कल से हमने कल भी देख लिया कि किसी भी प्रकार से पुलिस ने भी और कोई भी जिसने आयोजन किया था उन्होंने किसी भी प्रकार का सत्यन नहीं लिया। उस वजह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के तरफ से सारे पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी हम वो आए यहाँ पे, जो वहाँ पे हजारों के संख्या में जो महिलाओं को वहाँ पे बुलाया गया, कुछ लालच देके उनको कुछ मिलेगा इस हिसाब से, जो कि कायदे के बाहर था। एक वहाँ का जो कमिश्नर बोलता है, वो कामगार कमिश्नर बोलता है कि हमने नहीं बुलाया, और वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बोर्ड वहाँ पे भाजपा के लगे हुए थे, भाजपा के पदाधिकारी बोलते कि ये हमने कार्यक्रम नहीं किया और सरकार बोलती कि ये कार्यक्रम हमने नहीं लिया। आज हम उसी के लिए हम माननीय पुलिस कमिश्नर मिस्टर सिंगल जी के पास में आए कि एक्चुअल 48 घंटे बीतने के बाद में क्या कार्रवाई हुई। छोटा मोटा एक एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ से यहाँ के जो CM है अपने महाराष्ट्र के, वो CM वहाँ से डिक्लेयर करते कि 5 लाख रुपये दे दिया, 10 लाख रुपये दे दिया, लेकिन इस महिला के प्रति किसी ने भी ऐसा रुझान नहीं दिखाया कि या सातवतना तक के वहाँ पे उस घर तक के, आज लोकमत पेपर में आज पढ़ी कि किसी भी प्रकार से वहाँ पे गए नहीं। हम लोगों को राजकारण नहीं करना, लेकिन एक्चुअल 40 लाख लोग नागपुर शहर के, ये जनता चाहती है, पुलिस से अपेक्षा करती है कि पुलिस कम से कम इस सत्ता के दबाव में, तो कोई आए सत्ताधारी के विरोध में अगर कोई आवे नहीं आवे, लेकिन पुलिस ने अपना काम करना चाहिए। वहाँ पे हजारों के संख्या में वहाँ पे लोगों को बुला लिया और वहाँ पे महिलाओं के, ये तो घटना अच्छे आज बच गई कि वहाँ पे नहीं तो हजारों सैकड़ों महिला वहाँ पे मर जाती थी। ये इसका मेन गुनहगार कौन है? आज पुलिस साहब से, कमिश्नर साहब से निवेदन वही किया कि जो भी वहाँ पे आयोजक हो, सरकारी मिशनरीज के हो, वहाँ पे सरकारी पदाधिकारी अधिकारी भी थे, वहाँ पे भाजपा के पदाधिकारी भी थे। हम ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो जिन्होंने आयोजन किया और जो जो वहाँ पे प्रमुखता से वहाँ पे थे, उन्होंने पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए, उनके ऊपर सदोष गुना, हत्या का गुना दाखिल करना चाहिए। हमने, हमारी ये मांग है, अगर ये नहीं हुआ तो इसके बाद में आने वाले समय में हम यहाँ पे यही पुलिस कमिश्नर के पास में हम मोर्चा लेके आएंगे और वहाँ पे नागपुर शहर में वो जो घटना घटी उस घटना के प्रति पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसका जवाब मांगेंगे। फिलहाल इस निवेदन के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, यह देखना खास होगा। कैमरा पर्सन अजित कुवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।